बताई जा रहे हैं कब से खड़ी है, 11 बजे से खड़े हुए हैं। क्या बस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, 1 बजे कह रहे काउंटर पे जाओ, काउंटर पे जाओ। मुख्यमंत्री जी ने आदेश कराया, कुछ बसें बढ़ाई गई हैं, तो कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है? कोई भी सुविधा नहीं है, जो इससे आते जाते वो भी बंद हो गई है। कहाँ जा रही हैं आप बताइयो? कब से खड़ी हैं आप? 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, बस नहीं मिल पाई है। बस भरी है, कभी ड्राइवर आ ही नहीं रहा है उसमें। क्या कह रहे हैं बस वाले? कह रहे हैं 1.5 घंटा लगेगा, ड्राइवर साहब से पूछा फ्री के चक्कर में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, हम तो खड़े होकर चले जाकर कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, फ्री के मारे घंटा हो गए खड़े खड़े पेड़ी। अब मैम कुछ खाया नहीं, अब मुझे चक्कर से आने लगे तो वापस हो जाऊँ क्या? राखी बांधन जा रहे हैं संध्या। कब से खड़ी है? करीब हो गए 2 घंटे हो गए। कहाँ जा रहा है? हाथरस जाना अभी तक बस। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि बसों को बढ़ाया गया है, महिलाओं के लिए फ्री सेवा की गई है, कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या? एसी काउंटर बंद है, एसी काउंटर बंद है, कोई अभी तक बस को सुविधा नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं। आपने संपर्क करा बसों के लिए? संपर्क करे दीदी से, खड़े हुए हैं ऐसे चक्कर में। क्या बताया? क्या रहे हम अभी कोई बस जाएंगे ही नहीं, बसें बहुत हैं, लेकिन हर बस का यही कहना है कि कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कोई बस वाला चलने को तैयार नहीं, और ना ये बता रहे हैं कि कौन सी बस कहाँ जा रही है। यात्री इतने परेशान हो रहे हैं, यहाँ हजारों की संख्या में परेशान, आप चारों तरफ घूम के देखें और बसों की लाइन लगी हुई है। ऐसा तो नहीं है, महिलाओं के लिए जो है फ्री सेवा दी गई है, इसलिए बस ना जा रही है। इसी कारण सरकार को बदनाम करने के लिए सरकारी स्टाफ सब मिल गया, कोई कंडक्टर किसी बस पे नहीं है, और सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ बस के लिए कि एक बस वाला तैयार नहीं है चलने के लिए। कितने घंटे हो गए आपको? मेरे को होगा 3 घंटे यहाँ खड़े हुए हैं। क्या परेशानी आ रही है? ये परेशानी है, सब जाने को बैठे हैं और बस कंडक्टर जाने को तैयार नहीं है, और कंडक्टर भर लेते हैं और गायब हो जाते हैं, लेडीज परेशान हो रही है, बैठे बैठे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने वाहनों के लिए सुविधा दी गई है, कोई सुविधा मिल रही नहीं? नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं है, सुबह से भटक रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। उषा देवी, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये भटक रहे हैं और वो ही नहीं मिल रही कुछ बैठने के लिए सवारी, व्यवस्था ही नहीं हो रही यहाँ पे। बताओ, बसों में बैठ जाते हैं फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। क्या फायदा है? तो मत करो है, किराए के चक्कर में सब लेडीज को परेशान हो रही है, कोई गाँव की है, कोई सवारी नहीं मिलेगी आगे को तो कैसे?